आप ये स्पॉट पे ये आपके जिले के नाम कराएं, इससे पहले उनको तीन दिनों के नाम संडे मंडे और ट्यूजडे करा दिए। आज उसके आगे अगला है नंबर चार है वेंसडे, लेकिन WPSDAY वेंसडे है बुधवार, WPSDAY वेंसडे वेंसडे का मतलब क्या होता है बुधवार, WPSDAY वेंसडे का मतलब क्या होता है बुधवार, WPSDAY वेंसडे का मतलब क्या होता है बुधवार। अगला है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे का मतलब क्या होता है बृहस्पतिवार। नंबर छह क्या है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या होता है शुक्रवार, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या होता है शुक्रवार, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या होता है शुक्रवार, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब क्या होता है शुक्रवार। नंबर सात SAPURDAY सैटरडे, सैटरडे का मतलब क्या होता है शनिवार, SAPURDAY सैटरडे, सैटरडे का मतलब क्या होता है शनिवार, SAPURDAY सैटरडे, सैटरडे का मतलब क्या होता है शनिवार। सबसे पहले दोबारा देखिए नंबर चार क्या है वेंसडे, WPENESDAY वेंसडे का मतलब होता है बुधवार, WPENESDAY वेंसडे, वेंसडे का मतलब क्या होता है बुधवार, WPENESDAY वेंसडे, वेंसडे का मतलब होता है बुधवार। नंबर पांच क्या है थर्सडे, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे का मतलब होता है बृहस्पतिवार, THURSDAY थर्सडे, थर्सडे का मतलब होता है बृहस्पतिवार। नंबर छह क्या है फ्राइडे, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार, FRIDAY फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। नंबर सात को दिया सैटरडे, SAPURDAY सैटरडे, सैटरडे का मतलब होता है शनिवार, SAPURDAY सैटरडे, सैटरडे का मतलब क्या होता है शनिवार। अब गणित के सवाल करते हैं, गणित के सवाल करेंगे, एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य 20 रुपया है, 20 रुपया है, ऐसे ही 5 लेक्चर इसका, 5 पुस्तकों बताओ, ऐसे ही 5 पुस्तकों का बताओ, सवाल पूछा ऐसे ही 5 पुस्तकों, यदि हमें एक वस्तु का मूल्य दूसरे ज्यादा वस्तुओं का मूल्य आ जाएगा, ये दिया हुआ एक वस्तु का मूल्य तो हमसे पूछा है ज्यादा वस्तु का मूल्य, तो आपको बार बार बताया गया है जब एक वस्तु का मूल्य देखो तो ज्यादा वस्तु का मूल्य पूछे तो हमें क्या करना होता है गुणा करना होता है, एक वस्तु का मूल्य एक है कि ज्यादा वस्तु है, एक वस्तु क्या करना होता है गुणा करना, तो हमें क्या दिया गया है एक पुस्तक का मूल्य, पांच पुस्तकों का मूल्य
जो डेज ऑफ वीक है, सप्ताह के दिन है, इनको याद करेंगे उतार करके। उसके बाद गणित में सवाल कराया हुआ, इसको आज समझ समझ करके उतारेंगे। और उसके बाद इस सवाल को बिना देखे अपने आप करने का प्रयास करेंगे। आज के इतना ही।